नमस्कार फ्रेंड्स, माय सेल्फ नटर बेबी पटेल, आप सभी को दीपावली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं स्पेशल एक टाइटल दे रहा हूं, दिवाली टू दिवाली हैप्पी दिवाली। अच्छा, आपने कई बार सुना है, हजारों लोगों ने आपको बोला है हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेक्स्ट मैसेज में, ट्विटर पे आपको बहुत लोग शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूँ, जिंदगी की बहुत ही दिवाली चली गई। फॉर एग्जांपल, लास्ट एक साल, दो साल, पाँच साल, जितनी भी दिवाली गई, वो दिवाली की कंडीशन आपकी क्या थी? आप किस तरह की दिवाली मनाई थी? किस तरह का ट्रेस में थे? एज पर फाइनेंशियल, एज पर हेल्थ, एज पर सोशल, एज पर स्पिरिचुअल, किस तरह की आपकी कंडीशन थी? एक सवाल अपने आप को पूछो। बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं मिलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता, और अगली दिवाली हैप्पी दिवाली बोलने से हैप्पी दिवाली नहीं होती। ऐसी फॉर्मेलिटी है। 99% लोग का लास्ट ईयर का, लास्ट दो साल पहले का, लास्ट पांच साल पहले का जिस तरह का फाइनेंशियल कंडीशन था, जिस तरह का हेल्थ था, जिस तरह का सोशल, जिस तरह का स्पिरिचुअल जो कंडीशन था, वही कंडीशन आज भी है। तो हैप्पी दिवाली कहने से तो हैप्पी दिवाली आई नहीं है। तो मैं आज एक आप छोटा सा मैसेज देता हूं। मुझे जो सुन रहे सब लोग अलग अलग जगह से है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग मिशन है, अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि एक अगली दिवाली तक एक विजन बोर्ड बनाइए, जिसका नाम दीजिए दिवाली टू दिवाली हैप्पी दिवाली। क्योंकि आपको एक दिन तय करना पड़ेगा कि अपने आप में किस तरह से बदलाव हम करेंगे, और बदलाव बोलने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, लिख के आपको एक मिशन बोर्ड बनाना पड़ेगा। यह मिशन बोर्ड को हर दिन देखना पड़ेगा, तो ही अपने में बदलाव होगा। आज मैं जो बता रहा हूं दोस्तों, दूसरे की गलतियां से आप सीख लो, गलती करने के बाद सीखने में पूरी जिंदगी चली जाएगी। तो आज आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, उसमें से अपने खुद को क्या लगता है, वो पॉइंट्स का एक विजन बोर्ड बनाइए। सबके लिए ये अलग अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, हर दिन का 8 घंटा काम करते हैं? नहीं करते, ज्यादातर के लोग नहीं करते। हम काम क्या करते हैं, सुबह में 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, कभी 11 बजे फोन करते हैं, बाद में मार्केट में निकलते हैं, बाद में 2 घंटा जाते हैं। एक दिन का मीटिंग है तो हम क्या कि आज मीटिंग में जाना है। सुबह से एक ही बात चल रही है, फोन पे बातें चल रही है, और एक मीटिंग में 2 घंटा जाने के बाद वापिस आए, उसके बाद पूरा दिन खत्म हो गया। बोल रहे क्या बोलेगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहा हूं। रिजल्ट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक डिसीजन। पहला मैसेज मेरा यह है, अगर अगली दिवाली तक आपने 8 घंटा कंटिन्यू एक्चुअल वर्क इन मार्केट, रियल 1-to-1, रियल फॉलो, रियल क्लोजिंग, रियल पार्टी टू पार्टी विजिट, रियल सेलिंग, रियल रिटेलिंग, एक्चुअल मार्केट में 8 घंटा जिंदगी में एक साल के लिए निकाला, बहुत साल चली गई, 8 घंटा काम कर रहे, बातें कर रहे, लेकिन 8 घंटा काम नहीं होता। तो दोस्तों, 8 घंटा काम करना रियल मार्केट में सबसे पहले तय करो। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भागी के दरवाजा खोल देती है, लेकिन मेहनत सही तरीके से होना चाहिए। पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं। हर नया काम में सफल लोगों की सलाह लीजिए, टेक टू एडवाइस। ये दिवाली से अगली दिवाली तक मुझे अपलाइन से पूछ के काम करना है। कुछ लोग एक छोटा सा रैंक अचीवमेंट लेने के बाद वो खुद ये समझ जाता है कि मुझे सब बिजनेस मालूम हो गया, मैं इस बिजनेस का बेहतर बादशाह हो गया। नहीं, अपनी अपलाइन से ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है। 100% एक साल के लिए मुझे मान लो। लोग क्या करते हैं मालूम है, डिसीजन ले लेते हैं, बाद में अपलाइन को बताते हैं, अपलाइन कुछ नहीं बोलेगा। कुछ लोग का फोन आता है, सर मुझे आशीर्वाद दो, मैंने कार ले लिया। क्या बोलोगे आप, क्या एनालिसिस करोगे? सर मैंने ऑफिस ले लिया, मुझे आशीर्वाद दो। ऑफिस लो अच्छी बात है, कार लो अच्छी बात है, लेकिन एलिजिबिलिटी के बाद आप कितना ड्यूटी वर्क करें। गाड़ी लिया आपने,
आप कितने घंटे काम करने की तैयारी है, कितना इन्वॉल्वमेंट देने की तैयारी है, कितना वेटिंग करने की तैयारी है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। लेकिन गाड़ी आप पे बैठ जाएगा। तो मेरा एक दूसरा मैसेज है कि कोई भी डिसीजन एक साल के लिए शायद आठ दिन तक आपने लिया ना लिया मुझे मालूम नहीं है, 100% अपलाइन को फॉलो करो, उसको पूछ के आगे बढ़ो, टाइम का सही यूज करो। नेक्स्ट पॉइंट हेल्थ के रिगार्डिंग, सुबह उठने का और शाम को सोने का टाइम तय करो। सर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, मैं जानता हूं, मैंने बहुत साल काम किया है। कुछ लोग 2 बजे तक ऐसे ही फोन पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, ट्विटर पे लगे रहते हैं, करने का काम नहीं करते। सुबह में 9 बजे उठते हैं, 11 बजे तैयार होता है, बाद में बाहर निकलता है। कुछ लोग सुबह से निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब, एक बंदे को मिनिमम 6 घंटे का नींद चाहिए। तो अगर हम टाइम पे 12 बजे के बाद हम कोई काम नहीं करते ना, तो 12 बजे तो सो सकते हैं, तो हम 6 बजे उठते हैं। तो पॉइंट नेक्स्ट, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है और अच्छी हेल्थ भी रखना है, तो सोने का और उठने का टाइम फिक्स करिए। उसके साथ साथ अपना टाइम क्या फिक्स करना है, पढ़ाई का टाइम फिक्स करिए। आपको बातें सब मालूम है लेकिन पढ़ाई नहीं की, मालूम है वो 100% नहीं है। किस तरह से क्लोजिंग करना, किस तरह से इनवाइट करना, किस तरह से टीम बनाना, किस तरह से टीम मैनेज करना, बहुत कुछ सीखने का है, लेकिन हमने सीखने का कोई टाइम तय नहीं किया। तो एटलीस्ट एक साल के लिए, हो सकता है महीने में 10 घंटा, हो सकता है कोई काम महीने में 20 घंटा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप 5 घंटा 10 घंटा महीने में निकाल सकते हो। लेकिन कब निकालोगे, जब आप अपने विजन बोर्ड में लिखोगे, जिसका टाइटल रहेगा दिवाली टू दिवाली हैप्पी दिवाली, तो आप 100% निकालोगे। दूसरी बात, फैमिली को टाइम दो। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। टाइम तो है लेकिन टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। फैमिली के लिए हफ्ते में 1 दिन, आधा दिन, 15 दिन में 1 दिन निकालिए, ऐसा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टाइम का सही इस्तेमाल करो। डोमेस्टिक टूर फैमिली को 6 महीने में 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन का टूर करवा सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता लेकिन टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। साल में 1 इंटरनेशनल टूर करवा सकते हो, 2 साल में 1 इंटरनेशनल टूर करवा सकते हो। अपने आप को पूछो कितना टूर करवाया, क्योंकि टाइम का सही इस्तेमाल करो ना। मेरे पास नॉलेज नहीं है तो एक चार्ट में बनाइए, क्या क्या मुझे सीखने का है, कितना घंटा सीखने का है, और अपने विजन बोर्ड में लिखिए और दिन में 10 बार उसको देखिए, आते जाते देखिए, सुबह में उठते भी देखिए, शाम को उठते भी, बार बार हर दिन पढ़ोगे तो अगली दिवाली बेहतरीन दिवाली आपकी होगी। तो रिक्वेस्ट मेरा ये है फ्रेंड्स, टाइम का सही इस्तेमाल और टाइम का सही प्लानिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट, आगे जाने के लिए आज का सबसे बड़ा समस्या क्या है, काम समस्या नहीं है, कभी कभी टाइम भी समस्या नहीं है, सबसे बड़ा समस्या है ट्रेस। हम अगर ट्रेस को रिमूव करते हैं, वो कला सीख लेते हैं, तो बिजनेस डबल हो जाएगा। कुछ लोग देखा है सालों साल तक काम करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, वही कंडीशन में रहते हैं। तो कैसे दूर करना है, एक मिशन मोड बनाना पड़ेगा, अपनी समाधान करने की यानी कि कॉम्प्रोमाइज करने की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ईगो को रिमूव करना पड़ेगा। कोई भी अपनी चाहत के हिसाब से काम नहीं करेगा, न तो दुनिया वाले करेंगे, न तो कंपनी करेगा, न तो अपलाइन करेगा, न तो डाउनलाइन करेगा, न तो अदर्स लोग करेंगे। अपने खुद में बदलाव करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज करने की क्वालिटी को बढ़ाइए, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपके पास कितना पैसा है, कौन से होद्दे पे, कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है आप कितना समाधान करने की शक्ति है, क्योंकि जिंदगी की लास्ट मोमेंट तक ये चीज काम में आएगी। तो अगर एक साल एक मिशन बोर्ड में लिख लिया और हर दिन पढ़ा, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाएगा और 100% हम वो चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो एक बेहतरीन दिवाली आएगी। खुद पे काम करना शुरू करो। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, तब तक आप कभी बड़ा इंसान नहीं बन पाओगे, बड़ी इनकम नहीं कर पाओगे। अपने आप में परिवर्तन के लिए काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तनाव को दूर करना है। तनाव कहां से आती है, गैर समझ से, कम नॉलेज से। उसके लिए क्या करना, मीटिंग, ट्रेनिंग, वीडियो, सीडी, टारगेट।
खुद पे अपने आप को अपडेट करने के लिए। अगर आप जिस तरीके का हो, जहां से आए हो, जहां पे रहते थे, जहां पे नौकरी करते थे, जहां पे बिजनेस करते थे, वही क्वालिटी का परिणाम आपको उतना ही मिलेगा जितना आप कमा रहे हो। खुद पे काम करो, खुद को अपडेट करो। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले 100% कामयाब होते हैं। तो अपने खुद पे काम करने की कोशिश करो। और दूसरी बात है, साथ साथ पैसे का थोड़ा प्लानिंग करो। मैं जो बोल रहा बता रहा हूं उसमें से कोई भी 10 पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो ना। खर्च करो, एंजॉय करो, लेकिन उसके साथ पैसे का प्लानिंग करो। ज्यादातर के डायरेक्ट सेलिंग में मोस्ट ऑफ पीपल, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फाइनेंशियल कोई प्लानिंग नहीं होता। बोलेगा मंच पे 1 करोड़ कमाया हूं, लेकिन 10,000 उधार से मांगेगा। बोलेगा मैं 1 करोड़ कमाया हूं, लेकिन इंस्टॉलमेंट जब भरने की बारी आती है तो पैसा ढूंढना पड़ेगा। तो क्या मतलब है उसका? तो एक अपने कोई भी एडवाइजर पकड़ लो, उसके साथ बोलो मुझे मेरे लाइफ का प्लानिंग कैसे करना है। अपने सक्सेस लोगों को पकड़ लो, सर मुझे लाइफ का प्लानिंग करना है। कुछ सक्सेस मतलब ये बिजनेस में आगे गया वो सक्सेस नहीं है, लाइफ में हर तरीके के सक्सेस होना चाहिए। मान लो कि आपने लाइफ का प्लानिंग नहीं किया, फाइनेंशियल कोई प्लानिंग नहीं किया, तो अभी इतने साल चले गए और भी चले जाएंगे। तो मैं यहां पे वीडियो पे ये चीज तो नहीं बता पाऊंगा कि किस तरह से प्लानिंग करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों की। गलत आदतें दूर करो और उसका एक लिस्ट बताओ। एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, न किसी को पराजित करने के लिए। हमारी आदतें कौन सी ऐसी आदतें थे बदली? सुबह में उठने की, खाने की, मार्केट में जाने की, किसी को बोलने की, नेगेटिव बातें करने की, स्नैचिंग करने की, क्या क्या आदतें हैं हमारी? किसी की नेगेटिव बातें करने की, अपने खुद को बड़ा बनाने के लिए किसी को नेगेटिव बताने का, किसी को छोटा बना के हम बड़ा बनते हैं। वो कोई भी चीज आपको कभी बड़ा नहीं बना पाती। तो आप एक हैबिट भी लिख सकते हो जिसका नाम रहेगा दिवाली टू दिवाली हैप्पी दिवाली। कोई हैबिट लिखो कि मैं ये बदलना चाहता हूं। मैं भी लिख रहा हूं, मैं आपसे सीख रहा हूं। तो आपको आज नहीं तो कल आपकी सफलता आपका अचीवमेंट नहीं है, आपकी सफलता आपकी हैबिट है। क्योंकि बहुत ही अच्छे लोगों ने देखा, आपने करोड़ों अरबों रुपया कमाने के बाद आज जेल में है, कुछ भाग गए हैं क्योंकि सही हैबिट नहीं क्रिएट। वो सक्सेस था मनी में, पैसे में, लेकिन हैबिट नहीं क्रिएट कर पाया। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप, अगर आपको आपके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में मालूम नहीं है, आपको क्या हैबिट चेंज करना है, तो किसी को पूछो मेरा कौन सा ऐसा गलत हैबिट है मैं चेंज करना चाहता हूं। जो काम करने का डर है उसे भागो मत। एग्जाम्पल, आप मीटिंग नहीं लेते, आपकी मीटिंग में लोग नहीं आते, क्यों? क्योंकि आप फेल हो। लोगों को वो चाहिए, जो चाहिए वो नहीं मिलता, इसीलिए लोग मीटिंग में नहीं बैठते। तो आप लिख सकते हो मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूं, अच्छा ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, अच्छा प्लान लेना चाहता हूं, अच्छा डेवलपमेंट करना चाहता हूं, टीम को साथ लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। जो काम करने का डर लगता है वो इंसान जिंदगी भर नहीं करता। कोई गाड़ी नहीं चलाता 2 साल पहले, भी नहीं चलाता आज, भी नहीं चलाता, क्यों? सीखने का कोशिश नहीं किया। तो इंसान को सक्सेस होने के लिए उसकी जो हैबिट है वो हैबिट, अच्छा हैबिट डालना चाहिए और बुरा हैबिट को निकालना चाहिए। लेकिन कब निकलेगा? जब तक लिस्ट नहीं बनेगा तब तक नहीं निकलेगा। देखो, कोई बंदा सुबह में 8 बजे 9 बजे उठता है तो 10 साल से वही उठ रहा है, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने डिसीजन नहीं लिया, उसने विजन बोर्ड नहीं बनाया, उसने हैबिट को अपडेट करने के लिए, अच्छा हैबिट डालने के लिए कोई कार्यक्रम ही नहीं किया। तो अगर आप जहां पे हो, आपका जो हैबिट है उसको हैबिट का एक लिस्ट बनाओ, मुझे कौन सी हैबिट नहीं डालना है और कौन सी गलत हैबिट को निकालना है। दोस्तों, आज दिन तक बहुत दिवाली आके चली गई है, आपको मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है, आपके घर पे एक बड़ा कागज लेके अपने पेन से भी लिख सकते हो,
मार्कर से भी लिख सकते हो, फेम बना के अपनी लाइफ का क्या एक साल का क्या गोल है, कौन सी हैबिट रिमूव करना चाहते हो, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या करना चाहते हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या करना चाहते हो। आज मैं 25,000 कमा रहा हूं, मुझे अगली दिवाली पे 1,00,000 रुपया कमाना है, तो 1,00,000 कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जब तक आप विजन बोर्ड नहीं बनाओगे, जब तक आप गोल नहीं बनाओगे, जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे, तब तक आप कभी बड़ी सलांग नहीं लगा पाते, क्योंकि खुद पे काम करने का शुरुआत करने पड़ेगा। भी लीडरमैन के काम क्या है, खुद पे काम करना है। दो बंदा सेम काम करता है 6 घंटा 8 घंटा, एक बंदा कहीं आगे निकल जाता है, एक बंदा पीछे रह जाता है। उसका कारण एक ही है, उसका हैबिट है। और बहुत ही अच्छा मौका यह है, आज दिवाली का टाइम है, अगली दिवाली तक मैं अपने आप में क्या बदलाव कर सकता हूं, उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। अगर मुझे अच्छा तब लगेगा जब आपका विजन बोर्ड का फोटो मुझे मिलेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं अगली दिवाली, आज की दिवाली आपके लिए बहुत ही अच्छी हो, और उससे अगली दिवाली उससे कहीं बेहतरीन बन के आए, आपके फैमिली के रिगार्डिंग, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका हेल्थ कंडीशन, आपका सोशल कंडीशन, आपका स्पिरिचुअल कंडीशन। आज इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेस है, और ट्रेस गलत हैबिट से ही आता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग विजन बोर्ड बना के अपनी नई दिवाली, अगली दिवाली कुछ नया मिशन लेके आए, यही उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।